Hello and welcome to Unnati Competition Classes. इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी का करना चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद. आप सभी ने लूसेंट वीडियो के पार्ट वन को जो अपना प्यार दिया उसके लिए रियल दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए, काफ़ी सारे लोगों ने अपनी उत्तेजना दिखाई कि सर वीडियो जल्दी पब्लिश करो, पार्ट टू करो. पार्ट टू जब मैंने वीडियो पब्लिश करा उसके तुरंत बाद काफ़ी लोगों के रिप्लाई आए पार्ट थ्री अपलोड करो. तो इस तरह से आज हमारा कारवा बढ़ चुका है लूसेंट पार्ट सेवन की ओर. देखिए, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपसे परमार वंश के बारे में, जो उसमें एक राजा थे आपके राजा भोज, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम चलेंगे इस बुक में चंदेल वंश की ओर, खुजराहो का स्थान मंदिर और वैद्यनाथ मंदिर भी वहाँ पे काफ़ी फेमस था, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इस बुक में क्या क्या कवरेज दिया गया है. और फिर हम बात करेंगे सोलंकी वंश के बारे में और सिसोदिया वंश के बारे में. फिलहाल इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने साथ रखिए एक नोटबुक और इस वीडियो में जो जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट होंगे केवल उन्हीं के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा. चलिए शुरू करते हैं. देखिए, परमार वंश से हम शुरुआत करते हैं. इससे पहले के जो भी पेजेस थे, जो भी टॉपिक थे, हमने वो सब कंप्लीट करें. आज हम इस वीडियो में शायद मध्यकालीन भारत की शुरुआत कर दें, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास समय कितना बचा हुआ है. देखिए, परमार वंश में सबसे पहले हम बात करते हैं संस्थापक की. परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था और इसकी जो राजधानी थी वो थी धारा नगरी. परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था राजा भोज. वही राजा भोज कहाँ गंगुतेली, एक गाना है ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुतेली. तो ये राजा भोज का जो संबंध है वो एक्चुअली भोपाल से है. तो ये जो भोज थे राजा भोज, ये भोपाल से संबंध रखते थे. अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे. देखिए, आप याद रखिएगा परमार वंश के संस्थापक थे उपेंद्र राज और इनकी जो कैपिटल थी वो थी धारा नगरी. और सबसे प्रभावशाली शक्तिशाली शासक जो थे उनका नाम था राजा भोज. राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण कराया. अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि भोजपुर नामक झील किस स्थान पर है, किस स्टेट पर है. इस तरह से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है और ये एग्जाम में पूछा गया है, आपके रेलवे के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है. तो इसलिए जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये टॉपिक याद रखना है साथ में, लेकिन जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये सभी लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो आप इसको नोट करिए और याद करिए. आगे हम बात करते हैं. देखिए, नैस दीह चरित के लेखक श्री हर्ष एवं प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन थे, राइटर का नाम क्या था. इनके राइटर का नाम था मेरुतुंग. देखिए, राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे. भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों वे उनके उपयोग का उल्लेख करा गया है. अगला जो पॉइंट है वो है आपका नव सहसांग चरित के रचयिता पद्मगुप्त, दस रूपम के रचयिता धनंजय, घनिक हलायुद्ध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे. देखिए, ये जो पॉइंट है आपका प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और खास तौर पे ये पॉइंट बनेगा आपका जिनका यूपी प्रीलिम्स का एग्जाम है जुलाई में जो होने वाला है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. तो आप इसको, ये जो वाक्यपति मुंज ये जो नाम है, इस नाम को आप नोट करिए. आगे बढ़ते हैं हम लोग. कविराज की उपाधि से विभूषित शासक कौन था. कविराज की उपाधि से जो विभूषित शासक था उसका नाम था राजा भोज और भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था. किसने सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था, ये कराया था भोज ने. और ये मंदिर कहाँ पर है, ये मंदिर है भोपाल में. और इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था. और राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी एक नगरी थी, इनके काल में, राजा भोज के काल में नगरी थी धारा नगरी. ये क्यों फेमस थे, ये थी विद्या एवं
विद्यालयों का ये प्रमुख केंद्र थे। भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया और भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। भोजपुर नगर की स्थापना किसने करी थी? तो ये करी थी राजा भोज ने। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चाहमान वंश का और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर अधिकार किया। अभी देखिए, इसमें जो ये टॉपिक था परमार वंश, इसमें केवल आपको क्या क्या याद रखना है? संस्थापक उपेंद्र राज, कैपिटल धारा नगरी, राजा भोज का संबंध था भोपाल से, और भोजपुर नामक झील का निर्माण कराया राजा भोज ने, और उसके बाद हम बात करेंगे भोज ने अपनी राजधानी में कौन सा मंदिर बनाया था? सरस्वती मंदिर। और धारा नगरी किस किस चीज के लिए फेमस थी? ये थी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र। उसके बाद आपको याद रखना है कि त्रिभुवन नारायण मंदिर भोज ने कहाँ पर इसका निर्माण कराया था? तो इसका निर्माण कराया था चित्तौड़ में, और भोजपुर नगर की स्थापना किसने करी थी? राजा भोज ने। बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है। आगे हम बात करते हैं चंदेल वंश के बारे में कि प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है? देखिए, बुंदेलखंड का जो प्राचीन नाम है वो है आपका जिजाक भुक्ति, और चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? इसका नाम है ननुक, और स्थापना कब करी गई थी? 1831 ईस्वी में। और बात करते हैं इसके कैपिटल की, इसकी राजधानी की, तो इसकी राजधानी थी खुजराओ, और प्रारंभ में इसकी राजधानी कुछ और थी जिसका नाम था कालिंजर या फिर महोबा। आपसे एग्जाम में यहाँ पे ये पूछता है कि चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे, तो याद रखना है आपको ये, और उनकी प्रारंभ में या प्रथम राजधानी क्या थी, उसका नाम क्या है। आपको ऑप्शंस चार देगा, चारों में आपको खुजराओ मिलेगा और कालिंजर भी मिलेगा, या आपको मिल सकता है महोबा। तो आपको याद रखना है कि वो क्या पूछ रहा है। अगर वो पूछ रहे प्रारंभ के बारे में कि प्रारंभ में कैपिटल क्या थी, प्रथम कैपिटल क्या थी, या शुरुआत में उसकी कैपिटल क्या थी, तो आपको याद रखना है कालिंजर या फिर महोबा। आगे हम बात करते हैं कि चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा कौन था? ये था यशोवर्मन। देखिए, यहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसकी ओर बढ़ते हैं कि यशोवर्मन के बारे में हमने बात करी कि चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा कौन था? यशोवर्मन। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं कि यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को पराजित करा, हराया उसको, और उससे एक विष्णु की प्रतिमा उसको प्राप्त हुई थी जो उसने स्थापित करी कहाँ पर? खजुराहो के विष्णु मंदिर में। ठीक है, एग्जाम में आपसे ये पूछता है कि यशोवर्मन ने कहाँ से विष्णु की प्रतिमा प्राप्त करी थी, तो आपको याद रखना है कन्नौज पर आक्रमण करा था उस समय, और उस समय वहां के राजा जो थे वो थे राजा देवपाल, उनको हराया था और वो मूर्ति स्थापित करी थी खजुराहो के विष्णु मंदिर में। आगे हम बात करते हैं, देखिए धंग के बारे में, जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे, देखिए धंग ने जिन्नाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया, और कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग देव द्वारा 999 ईस्वी में किया था। देखिए, आपसे पूछता है कि वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है धंग, और निर्माण जो कराया था कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण भी धंग देव ने कराया था, धंग देव के द्वारा हुआ था, और ये कब हुआ था? ये हुआ था 999 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, धंग ने गंगा यमुना के संगम में, देखिए धंग ने जो अपने शरीर का त्याग करा था इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पूरा पढ़ते हैं पहले लाइन हम आराम से, कि धंग ने गंगा यमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए, मतलब उनको याद करते हुए, उनकी पूजा करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। ठीक है, धंग ने क्या करा? गंगा यमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। तो गंगा यमुना के संगम में किसने अपने शरीर का त्याग करा? उसका नाम था धंग, और वो किसकी आराधना कर रहा था, किसकी पूजा कर रहा था? वो कर रहा था शिव की। ठीक है, देखिए आगे और भी जो पॉइंट है, उसके बाद चंदेल,
विद्याधर, तो ये सब पॉइंट इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसलिए इस पॉइंट को स्किप करूंगा। मैं केवल उन्हीं टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एसएससी एग्जाम में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि चंदेल शासक कीर्ति वर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण किया था। कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण किसने करा था और कहाँ करा था? सवाल यहाँ पे ये बनता है, ये जो करा था महोबा के समीप करा था कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण और किसने करा था? चंदेल शासक कीर्ति वर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने, ठीक है, कृष्ण मिश्र ने ये करा था, मतलब जलाशय का निर्माण करा था। आगे हम बात करते हैं, देखिए अल्लाह उदल नामक दो सेना नायक परमृद देव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि चंदेल का अंतिम शासक कौन था, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम था परमृदि देव ने 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर उसके मित्र अजय देव ने उसकी हत्या कर दी। आगे बात करते हैं हम सोलंकी वंश के बारे में अथवा या फिर गुजरात के चालुक्य शासक के बारे में। देखिए सोलंकी वंश के बारे में बात करी जाए तो संस्थापक कौन थे, हमको ये याद रखना है, संस्थापक थे इनके मूल राज प्रथम और इनकी राजधानी थी अनहिलवाड़ और मूल राज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो ये नाम आपको याद रखना है, भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर, ठीक है, ये कहाँ पर है? ये है राजस्थान में, ठीक है, तो दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। आगे हम बात करते हैं कि सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था, उसका नाम क्या? उसका नाम था जयसिंह सिद्धराज और प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। आगे हम बात करते हैं, देखिए माउंट आबू पर्वत, जैसा कि मैंने आपको बताया राजस्थान में है ये, तो माउंट आबू पर्वत पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने सातों पूर्वजों के गजारोही मूर्तियों की स्थापना करी। मतलब वो क्या थे, उसके जो भी सातों पूर्वज थे उनकी एक प्रतिमा बनाई, एक मूर्ति बनाई और उन सबको क्या करा, एक गजारोही मतलब कि हाथी की प्रतिमा के ऊपर उन सभी अपने सातों पूर्वजों को, दादा वादा इन लोगों को बिठा करके रखा। तो आज भी अगर आप जाते हैं राजस्थान जैसे एरिया में, माउंट आबू में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको इस टाइप का मंडप जो जयसिंह ने सिद्धराज ने अपने सातों पूर्वजों का बनाया था, तो वो साफ साफ आपको दिखाई देगा बड़े आराम से, काफ़ी क्लीन एरिया है। अगर आप वहाँ पर रहते हैं तो कभी जाके देखना, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। आगे हम बात करते हैं, देखिए मोडेरो का सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था और सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया था। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। और सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये थे भीम द्वितीय, याद रखिएगा भीम सेकंड। आगे हम बात करते हैं कि भीम सेकंड के एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना करी। बघेल वंश की स्थापना किसने करी? भीम सेकंड के एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में करी थी बघेल वंश की स्थापना। और बघेल वंश का कर्ण सेकंड गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था और इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। आगे हम बात करते हैं, देखिए कलचूरी चेदी राजवंश, कलचूरी वंश का संस्थापक कोकल था और इसकी राजधानी थी त्रिपुरी। और कलचूरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गंगे देव था और जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करा था। आगे अगला जो पॉइंट है वो है कलचूरी वंश, सबसे महान शासक जो था वो था आपका कर्णदेव। कलचूरी या चेदी राजवंश का सबसे महान शक्तिशाली शासक कौन था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था कर्णदेव, जिसने
कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकालिंगाधिपति की उपाधि धारण करी। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कुलचुरी के दरबार में ही रहते थे। अगला जो वंश है वो है आपका सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश कुछ खास नहीं है इसमें बताने के लिए, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे कि सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे। कौन से वंश के शासक अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे? तो वो थे सिसोदिया वंश। और सिसोदिया वंश का शासक जो था मेवाड़ पर शासन करते थे, और मेवाड़ की राजधानी थी उस समय चित्तौड़। और अपनी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। ठीक है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था ये आपको याद रखना है, राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कराया था। ठीक है, विजय स्तंभ का निर्माण जो कराया था वो कराया था राणा कुंभा ने, और कहाँ पे कराया था? चित्तौड़ में। खतौली का युद्ध, खतौली का युद्ध हुआ था 1518 में राणा सांगा एवं अब्राहिम लोदी के बीच में। खतौली का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो आपको याद रखना है राणा सांगा एवं अब्राहिम लोदी के बीच में। कब, किस वर्ष? तो ये लड़ा गया था आपका 1518 ईस्वी में। देखिए अब हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत की। देखिए इस वीडियो में मैं कवर करूंगा, देखिए भारत पर अरबों का आक्रमण जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा आपसे महमूद गजनी के बारे में कि उसने क्या क्या कार्य करे, थोड़ा उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उसके बाद में बताऊंगा आपको मोहम्मद गौरी के बारे में, जब उसने त्रायन का युद्ध करा था, चंद्राबार का युद्ध कब हुआ था, इसके बारे में। ठीक है, और देखते हैं आगे हम कितना कवर कर पाते हैं। आई होप आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे, और ध्यान से सुन रहे होंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को वीडियो के एंड में आप लाइक करिएगा अगर पसंद आए तो, और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। देखिए हम बात करते हैं कि भारत पर अरबों का आक्रमण किस तरह से हुआ। देखिए मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय प्राप्त करी, और अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। अरब का जब आक्रमण हुआ भारत में उस समय क्या था? सिंध पर दाहिर का शासन था, और भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य जो एम था, देखिए भारत पर जो अरबों ने जो आक्रमण करा था उसका एक मेन एम था केवल धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना। देखिए यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, आपके एसएससी एग्जाम में खासतौर पे, आपका एमटीएस का एग्जाम होगा उसमें, और सीजर का एग्जाम दोनों में ये पूछा जाएगा कि भारत पर अरबों का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था, उनका एम क्या था। एम तो वह नहीं बोलेगा, आपसे बोलेगा उसका क्या उद्देश्य था, क्या उनकी मनसा थी, क्या उनकी इच्छा थी। तो उनकी मेन जो इच्छा थी वो थी धन दौलत लूटना, ठीक है, और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। आपको एक ही ऑब्जेक्टिव, जो आपके चार ऑप्शंस होंगे वहाँ पे आपको या तो देगा धन दौलत लूटना, या फिर देगा इस्लाम धर्म का प्रचार करना, दोनों एक साथ आपको ऑप्शन में बिल्कुल भी नहीं देगा। तो आपको दोनों पे फोकस करना है, एम था इसका धर्म को लूटना या फिर अपना इस्लाम धर्म का प्रचार करना। ठीक है, यहाँ से केवल एक ही क्वेश्चन बनता है आपका भारत पर अरबों का आक्रमण के सेक्शन से। आगे हम बात करते हैं महमूद गजनी के बारे में कि अल्पतगिन नामक एक तुर्क सरकार गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। अल्पतगिन का गुलाम तथा दामाद कौन था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था सुबुक्तगिन। महमूद गजनी सुबुक्तगिन का पुत्र था। अपने पुत्र के काल में गजनी खुरासान का शासक था। ठीक है, अपने पिता के शासनकाल में, ठीक है ना, अपने पिता के शासनकाल में वो कहाँ का शासक था? वो था आपका खुरासान का। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 997 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, 1997 में, ठीक है ना, 997 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। तब उसकी उम्र क्या थी? उसकी उम्र थी 27 वर्ष। बगदाद का खलीफा उल आदिर बिल्ला ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्राप्त करते हुए उसे एक उपाधि दी थी, एक नहीं बल्कि उसको उपाधि मिली थी दो, आप याद रखिएगा दो उपाधि। दोनों उपाधि कौन कौन सी थी? एक का नाम था यमीन उद्दौला, और सेकेंड जो उपाधि का नाम था वो था आपका यमीन उल मिल्हा। आपसे एग्जाम में ये पूछता है कि यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्हा की उपाधि किसको प्राप्त थी। ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखना है। आगे बात करते हैं कि महमूद गजनी ने सर्वाधिक भारत पर आक्रमण करा था। ठीक है, और ये सीजीएल में कई बार पूछा भी गया है कि महमूद गजनी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण करा, तो आपको याद रखना है 17 बार, 17 टाइम्स।
आगे महमूद गजनी ने भारत पर जो पहला जो आक्रमण करा था वो कब करा था? 1001 ईस्वी में। आपको ये जो वर्ष याद रखना है, ये वर्ष काफी अच्छा है कि कहीं हम जाते हैं शादी ब्याह में, किसी की मैरिज में, तो हम वहाँ पे हम टीका लगाते हैं। तो वहाँ हम टीका कितने का लगाते हैं? 1001 का। ठीक है, 1001 का जो टीका लगाता था वो क्या लगाता था? महमूद गजनी भारत की मैरिज अटेंड करते समय। ठीक है, ये छोटा सा एक लिंक है जो मैं आपको याद करने के माध्यम से आपको मैं इस तरह से समझा रहा हूँ। ठीक है, याद रखना, महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण करा था 1001 ईस्वी में, और यह आक्रमण शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था। इसमें जयपाल की पराजय हुई, महमूद गजनी ने भारत पर आधिपत्य अपना स्थापित कर लिया, अपना साम्राज्यवाद स्थापित कर लिया। और ये कब करा था? ये कब करा था? तो ये करा था आपका 1001 ईस्वी में। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगर कोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई गई है। महमूद गजनी ने थाने सर के चक्र स्वामीन की कांस्य निर्मित आदम कद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंग भूमि में रखवाया। ठीक है, आप याद रखना कि चक्र स्वामीन की यह मूर्ति थी, ठीक है, कांस्य से बनी थी, और आदम कद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंग भूमि में रखवाया। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है महमूद गजनी का सबसे चर्चित जो आक्रमण है वो है 1024 में, उसने एक आक्रमण करा था सोमनाथ मंदिर, जो कहाँ पर है? सौराष्ट्र पर हुआ। इस मंदिर की लूट में उसे 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। ग्रीन से मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है, कितनी संपत्ति इसको प्राप्त हुई? तो इसको संपत्ति प्राप्त हुई 20 लाख दिनार। ठीक है, और सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट लूट लूटा उसने, और लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था। महमूद के ऊपर जाट जो लोग थे उन सब ने उसके ऊपर आक्रमण किया और कुछ संपत्ति उससे लूट ली। मतलब महमूद गजनी ने जो ये करा था, दिनार प्राप्त करी थी, मंदिर लूटा था, तो जाटों ने उसके ऊपर धावा बोल दिया और उससे कुछ उसकी संपत्ति छीन ली। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय जो आक्रमण था, आखिरी जो उसका आक्रमण था वो था 1027 में जाटों के विरुद्ध। ठीक है, और पहला कब था? पहला मैंने अभी आपको बताया था, तो ये था आपका 1001 में, और लास्ट था इसका 1027 में। महमूद गजनी की डेथ कब हुई? 1030 में इसकी डेथ हो गई, और अलबरूनी, फिरदोसी, उत्बी तथा फरूखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो नाम है वो है आपका अलबरूनी, किसके दरबार में रहता था? आपसे ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो ये नाम आपको याद रखना है। अलबरूनी जो था महमूद गजनी के दरबार में रहता था। देखिए, इसमें से मैं आपको दोबारा कुछ रिपीट कराना चाहूँगा। मध्यकालीन भारत में से थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि जरूरी है रिपीट करना। देखिए, भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य जो एम था वो था धन को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। ठीक है, और गजनी साम्राज्य का संस्थापक था, मतलब अलपतगिन नामक एक तुर्क सरदार था, जो क्या था? गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट वर्ड वर्ड है वो है आपका खुरासान। ठीक है, अपने पिता के काल में गजनी खुरासान का शासक था, और 27 वर्ष की अवस्था में ये 1997 मतलब 997 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। इसको दो उपाधि प्राप्त थी, एक तो थी यमीन उद्दौला, और सेकंड उपाधि इसको प्राप्त हुई थी यमीन उल मिलहा। ठीक है, मैक्सिमम बार जो आक्रमण करने वाला जो भारत पर जो शासक था उसका नाम था महमूद गजनी, और टोटल कितनी बार इसने आक्रमण करा भारत पर? ये करा 17 बार, 17 बार। ठीक है, और फिर हमने बात करी थी कि पहला आक्रमण जो करा था इसने 1001 में, और जो लास्ट जो आक्रमण था वो इसने करा था, देखिए, अंतिम करा था इसने 1027 में जाटों के विरुद्ध, और बाद में इसकी डेथ हो गई। ठीक है, अभी हमने एक पॉइंट हमने ये भी देखा कि सोमनाथ मंदिर के बारे में, कि इसने इसको लूटा, कितने इसको दिनार प्राप्त हुई, वो संख्या है 20 लाख दिनार की इसकी संपत्ति इसके हाथ लगी या फिर उसने मंदिर से लूटी। ठीक है, बस इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब हम बढ़ते हैं फिलहाल मोहम्मद गौरी की तरफ, कि मोहम्मद गौरी या फिर गौर मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1153 या फिर 1153 ईस्वी में
शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। इसने भारत का पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था, और मोहम्मद गौरी का जो सेकंड जो आक्रमण था वो था 1178 ईस्वी में गुजरात पर हुआ था। यहाँ का शासक भीम सेकंड ने गौरी को बुरी तरह से परास्त किया था। ठीक है, याद रखना, परास्त किया था। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए ये वॉर के बारे में आपको शायद ढंग से दिख ना रहा हो कि तराइन का प्रथम वॉर कब हुआ था, तो मैं थोड़ा सा इसको जूम करना चाहूँगा। ये जूम कर लिया, आई होप आपको अब अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब हो रहा होगा, ठीक है। देखिए तराइन का जो पहला वॉर हुआ था वो हुआ था 1191 में। किस किस के बीच में हुआ था? गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट ये निकला कि पृथ्वीराज चौहान इसमें विजय हुआ। फिर उसके एक वर्ष बाद में सेकंड वॉर हुआ 1193 में। अब पहला याद रखिए, पहले में आप एक वर्ष जोड़ दीजिए, सेकंड वॉर दोबारा हुआ, दोनों के बीच में सेम हुआ, लेकिन इस बार क्या हो गया, गौरी जो रहा वो विजय रहा। ठीक है, पहले में जो था पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ, दोबारा से उसने गौरी ने अपने शस्त्र उठाए 1192 में, दोबारा से उसने तराइन का द्वितीय युद्ध प्रारंभ करा और उसमें गौरी विजय की विजय हुई। ठीक है, और चंद्रावार का जो युद्ध होता था वो हुआ था 1194 ईस्वी में गौरी एवं जयचंद के बीच में, और परिणाम क्या रहा, गौरी की विजय हुई। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। उसने बोला कि मेरी सेनापति वगैरह संभाल लेंगे राज, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ठीक है, और मोहम्मद गौरी की हत्या हुई, कब हुई, 1206 ईस्वी को। ये हत्या आपसे पूछ लेता है हत्या कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1206 ईस्वी को। देखिए अब हम बात करेंगे सल्तनत काल, गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश की स्थापना करी थी 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, वह गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? यह था गौरी का गुलाम, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। राज्याभिषेक का आपसे डेट नहीं बोलेगा, पूछेगा ना ही आपसे पूछेगा मंथ, आपसे वर्ष जरूर पूछ सकता है एग्जाम में, आपको याद रखना है 1206 में। और कुतुबुद्दीन ऐबक की अपनी कैपिटल क्या थी? इसकी कैपिटल थी, राजधानी थी लाहौर। और कुतुब मीनार की नींव जो रखी थी, उसकी जो फाउंडेशन जो हुआ उसका हुआ था, उसका जो नींव रखी थी, उसका जो बेस बनाया था, वो बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आपसे देखिए यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, उसका नाम बताइए, तो आपको याद रखना है कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली का कुवैत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद, दोनों ही मस्जिद है, ढाई दिन का झोपड़ा भी एक मस्जिद है और कुवैत उल इस्लाम खुद में एक मस्जिद है, इसका निर्माण जो कराया था वो कराया था ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, लाख बख्श मतलब लाखों का दान देने वाला। ठीक है, ये इंसान क्या था, ये दानी बहुत था, गरीबों की बहुत सेवा करता था, गरीबों को बहुत दान देता था, छोटी बातों पर लाखों को क्या करता था, लुटा देता था गरीबों के ऊपर। तो ये इंसान काफी अच्छा था, कुतुबुद्दीन ऐबक इतना बुरा नहीं था। तो आप याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक मतलब लाख रुपीज, ठीक है, इसको लाख बख्श भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं, देखिए प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेना नायक कौन था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था बख्तियार खिलजी, आप याद रखिएगा ये नाम बख्तियार खिलजी। इसने क्या करा था? इसने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाया था। आगे हम बात करते हैं, देखिए ऐबक की जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय। ठीक है, चौगान मतलब पोलो खेलते समय आपसे एग्जाम में पूछता है कि चौगान खेलते समय किसकी डेथ हुई थी, तो उसकी डेथ जो हुई थी वो हुई थी ऐबक की, और कब हुई थी, 1210 में। तो आपको दोनों ही वर्ड याद रखने हैं, चौगान खेलते समय 1210 ईस्वी में ऐबक की डेथ हुई थी। और इसे दफनाया कहाँ गया था? इसे दफनाया गया था लाहौर में। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ था, जिसने सिर्फ 8 महीने तक शासन किया, और आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमीज 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमीज 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर किसकी हत्या के द्वारा बैठा था, किसकी हत्या करके बैठा था? तो ये था आराम शाह। आगे हम बात करते हैं, देखिए इल्तुतमीज तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ठीक है, ऐबक की डेथ के समय वह बदायूं का गवर्नर था।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इल्तुतमिश जो था तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था, ठीक है, जो ऐबक का तो गुलाम था और उसका दामाद भी था, लेकिन ऐबक की डेथ के समय वह कहाँ का गवर्नर था? तो वो गवर्नर था आपका बदायूं का। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी का स्थानांतरित करके दिल्ली लाया, ठीक है, लाहौर से राजधानी को चेंज करा, और वो क्या बनाई उसने कैपिटल? उसने बनाई दिल्ली। और इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। और इल्तुतमिश की डेथ कब हुई थी? ये हुई थी अप्रैल 1236 ईस्वी में। देखिए, इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र जो था उसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज, गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था, ठीक है, वो पढ़ा लिखा नहीं था, बिल्कुल अनपढ़ था, उसे कोई नॉलेज नहीं थी युद्ध के बारे में। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी माँ शाह तुर्कान छाई रही, मतलब कि नाम को तो बेटा बैठ गया सीट पर, ठीक है, इल्तुतमिश के बाद में, लेकिन उसको युद्ध के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। लेकिन उसकी माँ ने, ठीक है, पूरा राजपाट संभाला, युद्ध की पूरी रूपरेखा जो बनती थी वो संभाली, सेनापति से जो भी डिस्कस करती थी वो उसकी माँ करती थी, ठीक है ना। उसकी माँ कौन थी, किसकी माँ? रुकनुद्दीन फिरोज की माँ का नाम क्या था? ये नाम भी काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये MPPSC प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीप है, लेकिन इतना भी डीप नहीं है कि आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, PCS की तैयारी कर रहे हो और आपको ना पता हो, तो आप याद रखिएगा इसको, आप याद करिएगा। तुर्कान छाई रही, तुर्क माँ का नाम क्या था? माँ का नाम था शाह तुर्कान। आगे हम बात करते हैं। देखिए, शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया, ठीक है। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम शासिका महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली, ठीक है। एक्चुअली ये जो रजिया बेगम थी ये इल्तुतमिश की ही पुत्री थी, ठीक है। इल्तुतमिश का एक पुत्र था जो उसकी मृत्यु के बाद में बाय डिफॉल्ट गद्दी उसी को प्राप्त होती, ठीक है, लेकिन ये गद्दी पर ज्यादा चल नहीं पाया। तो क्या करा समाज ने, ये बोला भाई इसको नॉलेज तो कुछ है नहीं, इसको हटाओ यहाँ से। तो उसने बोला सिंपल, ठीक है, इल्तुतमिश की पुत्री शायद ज्यादा समझदार है, तो इसको बैठाते हैं हम गद्दी पर, ठीक है। तो याद रखिएगा, रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। आपसे एग्जाम में ये पूछता है कि प्रथम मुस्लिम महिला शासक का नाम बताइए, प्रथम मुस्लिम महिला शासक का नाम बताइए कौन था, ठीक है, तो ये कौन थी? तो आपको चार ऑप्शन देगा, आपको नाम रखना है रजिया बेगम, ठीक है। अब रजिया ने क्या करा, रजिया जैसे ही गद्दी पर बैठी, जैसे उसने शासन की बागडोर संभाली, उसने सबसे पहले पर्दा प्रथा का त्याग करा, क्योंकि तो पर्दा प्रथा अगर होगी तो महिलाएं जो होंगी वो युद्ध भूमि में ढंग से नहीं उतर पाती थी, या फिर अगर वो खुद भी युद्ध करना चाहती थी तो पर्दा जो उसके फेस के आगे होता था तो उसको सामने वाला शत्रु ढंग से दिखाई नहीं देता था। तो उसने साफ साफ ये कहा कि अब से हम लोग पर्दा प्रथा का त्याग करेंगे, तथा पुरुषों की तरह हम क्या करेंगे, चोगा चोगा पहनेंगे, जैसे कि बड़ा कुर्ता होता है, पजामा होता है, तो उस टाइप को बोलते हैं चोगा, चोगा पहनेंगे, उसको बोलते हैं काबा, तथा कुल्हा मतलब टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से ये जाने लगी, ठीक है। ये पहली महिला जो थी प्रथम मुस्लिम महिला थी, और इसने सबसे पहले पर्दा प्रथा को त्याग करके पुरुषों की तरह नॉर्मली जो होता है चोगा पहन करके और टोपी सर पर पहन करके राजदरबार में खुले मुंह जाने लगी, ठीक है। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर मतलब घोड़े का सरदार नियुक्त करा। घोड़े का सरदार कौन था? तो ये था आपका मलिक जमालुद्दीन याकूत, ये इसका नाम था जो घोड़े का सरदार था, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए, गैर तुर्की को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुहिरुद्दीन बहरम शाह को बैठा दिया गया। अब रजिया की जो मैरिज हुई, इसके पति का नाम क्या था? इसका पति का नाम था अल्तोनिया, बहुत अच्छा नाम है अल्तोनिया, लेडीज जैसा नाम लगता है, लेकिन आप नाम याद रखिएगा। रजिया की शादी हुई थी अल्तोनिया के साथ, और इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वे क्या रही, वे असफल हो गई। लेकिन रजिया की एक डेथ हुई, रजिया की हत्या करी गई, ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। रजिया की जो हत्या करी गई थी वो करी गई थी 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास करी थी, ठीक है ना। रजिया की हत्या कब और कहाँ पे हुई थी, आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है, तो आप याद रखिएगा
13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कैथल में, ठीक है, बहरम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। बहरम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी में बना, लेकिन बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटा दिया, ठीक है, और नसरुद्दीन महमूद शाह को सुल्तान बना दिया। देखिए, पहले ऐसे होता था, कोई सुल्तान बनता था, कोई आपस में रंजिश होती थी, युद्ध करते थे, राजा को मार देते थे या रास्ते में उसकी हत्या करा देते थे, ठीक है ना। क्योंकि कहते हैं प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है, पिछली जो जंग होती थी उसमें सब कुछ जायज था। अब हम बात करते हैं, देखिए, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह जो करा था वो किसके साथ करा था, वो कराया था नसरुद्दीन महमूद के साथ में। बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कराया था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था नसरुद्दीन महमूद। आगे हम बात करते हैं, देखिए, बलबन का वास्तविक नाम क्या था, इसका रियल जो नेम था, या फिर बचपन का नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या था, तो इसका नाम था बहाउद्दीन। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किसने किया था, तो ये करा था बलबन ने। याद रखिएगा, मैं आगे रिपीट कर रहा हूँ कि तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया था, और बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। कौन गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, तो ये बैठा था बलबन। बलबन का एक अन्य नाम क्या था, गयासुद्दीन बलबन। कब बैठा था, 1266 में। तो आपको ये तीनों चीजें याद रखनी है, एक तो ये वर्ष 1266, और सेकंड आपको याद रखना है गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, ठीक है। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी, ठीक है। सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने करी थी, तो ये करी थी बलबन ने, राइट। आगे बढ़ते हैं, देखिए, बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव का प्रारंभ करा था। ये एक फेस्टिवल था, तो ये फेस्टिवल नवरोज उत्सव का प्रारंभ किसने किया था, तो ये करा था बलबन ने। देखिए, अगला जो पॉइंट है वो है कि अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लोह एवं रक्त की नीति का पालन किया था, और नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुंग खां की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को ये उपाधि दी थी, ठीक है। उलुंग खां की उपाधि किसको प्राप्त थी, तो ये थी बलबन को, और किसने दी थी, ये दी थी नसीरुद्दीन महमूद ने। आगे बात करते हैं, देखिए, बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि थे अमीर खुसरो एवं अमीर हसन। अमीर खुसरो फारसी के प्रसिद्ध जो कवि थे किसके दरबार में थे, तो ये थे बलबन के। याद रखिएगा, दोनों नाम काफी फेमस है, अमीर खुसरो और अमीर हसन। अब हम बात करते हैं, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था समुद्दीन कैमूर्स। याद रखिएगा, समुद्दीन कैमूर्स, काफी अच्छा नाम है ये और काफी इम्पोर्टेंट नाम है। बच्चों, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही, आगे हम वीडियो में बात करेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ में। देखिए, ये जो वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ आपके सामने, ये पेज बाय पेज है, कोई भी पेज इसमें स्किप नहीं है, और धीरे धीरे करके मैं साइंस भी कवर करूंगा, ज्योग्राफी भी कवर करूंगा, लेकिन एक सीरीज के साथ ही मैं खत्म करूंगा। जैसे जैसे ये बुक चलती रहेगी आगे, वैसे वैसे वीडियो आपके बनते रहेंगे। आपका साइंस का टॉपिक होगा या फिर ज्योग्राफी का टॉपिक होगा, वो उसके बुक उस इस बुक के अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगा। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।